अच्छा, ये कोई सुल्तान आए हैं जी। सुल्तान जी, क्या कहना चाहेंगे आप हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका हेलो, अस्सलाम। जी? ठीक वालेकुम ठाक आप सलाम, क्या सुनाए? हाल है आपका? मोमिन आए हैं, मैं जरा ठीक सर पे ठाक दुपट्टा आप ले सुनाए? लूं। मैं ठीक हूँ। मैं आपके लिए ना जरा थोड़ा सा पर्दा कर लूं। मैं ना अच्छा नहीं रहता ना पर्दे पर्दे में। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा। हाँ जी, मेरे कुछ सवाल हैं, कुछ कंफ्यूजन है कोई चीजों को जी लेके। पूछिए जी, पूछिए पूछिए। हम आप कंफ्यूजन ही तो अच्छा, ढूंढ दूर करने बैठी हूँ मैं यहाँ पे। जी बात पूछिए। ऐसी है कि पूरा न्यूट्रल होके बात करता हूँ मैं, कि जिस तरह आपका ये मानना है कि भाई अल्लाह नहीं है, भाई अगर भाई मैं भी ये आपके साथ, आपके मानने के साथ मैं चलूँ कि अल्लाह नहीं है, एक सेकेंड, ठीक है? यूट्यूब का लिंक है मेरे यूट्यूब पे, आप वहां पर जैसे आप कॉल पे आ सकते हैं। YouTube पे जाके सर्च करें महाली सरकारी, आप वहां पे आकर लिंक मिलेगा, वहां से कॉल पे आ सकते हैं आप। जी बोलिए। हाँ जी, अल्लाह नहीं है इस भाई दुनिया में, और कोई रिलीजन वगैरह का साहब नहीं, बस ह्यूमैनिटी होनी चाहिए बंदे में, इंसानियत होनी चाहिए, जो आपके लिहाज से आप समझती हैं, ऐसे ही है। हाँ, मैं तो यही समझती हूँ जी। हाँ जी, अब बात ऐसी है कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन फर्ज करें मैं मुस्लिम अब नहीं रहा, और मैंने भाई अपनी अपने आप को भी बिल्कुल कर दिया कि जो बस सही होगा और जो गलत होगा मैं वही करूंगा, मैंने कोई रिलीजन के साथ नहीं चलना। ठीक हो गया? जी तो अब आप ये बताएं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैं फॉलो करने पड़े वो मैंने किधर से लेने हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसा एक चीज़ है शराब पीना, ठीक हो गया? अब ये मुझे ये आपकी किस आवाज चीज, ब्रेक हो किस रही बंदे है। को मैं अथॉरिटी दूंगा कि ये वो, ये कौन बंदा मुझे बताया कि शराब पीना सही या गलत है? ये कौन भाई मुझे बताएगा? या ये अपने खुद जेन से मैंने सोचना कि हाँ ये चीज गलत है, ये बुरी है, ये अच्छी चीज है, क्योंकि एज मैं तो किसी रिलीजन से निकल आया हूँ, ठीक है? मुझे ये भी पता है कि मेरा कोई हिसाब नहीं होना एंड वाले में, कयामत के दिन, ठीक है? क्योंकि मैं रिलीजन से निकला है तो मुझे पता है क्यामत के दिन तो मेरा साथ नहीं होने वाला है। तो मुझे ये कौन चीज बंदा कह अच्छा, तेरे में दे आपका कि ये पॉइंट आ चीज गया ना, गलत मेरा है, ये पॉइंट आ कत्ल गया। करना मेरा बुरी आपसे एक चीज है और क्वेश्चन है। कत्ल ना करना अच्छी चीज है, हाँ, शराब मैं पीना मेरा बुरी। एक पॉइंट मेरा एक आपका पॉइंट आ गया मुझको, ठीक है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या अभी जो लोग रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, क्या वो शराबें हाँ नहीं जी, पी रहे? क्या वो कत्ल नहीं कर रहे? हाँ जी भाई, कर रहे हैं वो ना। क्या और क्या मुझे जा, बात बताइए, बिल्कुल अच्छा कर आप रही है, कह बिल्कुल रहे थे कर ना रही कि है, अच्छा, बिल्कुल हाँ कर तो रही है। अच्छा, मेरे अब लॉजिक की बात उस पे आते हैं। अब आप किसी चीज को बिलीव नहीं करते, ठीक है ना? अब आप कहाँ से सीखोगे? आपके सामने आग जल रही है हाँ जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझिए, ना, आप आग जल ले में रही है, हैं। तो फिर हाँ जी, आप जाके उस आग हाँ के जी, अंदर हाथ डालोगे या नहीं डालोगे? आपकी कॉमन सेंस आपको हाँ बता जी, रही होगी कि भैया आग के अंदर हाथ डालूंगा मैं तो मेरा हाथ जल जाएगा। और अगर आपकी कॉमन सेंस वो नहीं करती है तो आप आग डाल हाथ बिल्कुल डालोगे, जल जाएगा, तो फिर अगली दफा नहीं डालोगे आप, बिल्कुल है ना? बिल्कुल हाँ, सेम बिल्कुल। थिंग। अब शराब ये बात, की अच्छा आपने अब ये बात बात, की, ये शराब बात, की आपने बात की, तो आपने हाँ जी, शराब पी ली, एक बड़ी शराब पी ली आपने, हाँ जी, और रात को आपने किसी के साथ खूब लड़ाई कर ली, अपना ही सर फोड़ लिया लड़ाई लड़ लड़ के। हाँ जी बिल्कुल, अब अगली दफा ठीक आप हो क्या गया, होगा कि आप नहीं करोगे इतना? आप कहोगे नहीं, मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी तो मुझे इतनी नहीं पीनी चाहिए। अगली दफा आप दो पैक लगा लोगे और एवरीथिंग इज फाइन। यू नो द अच्छा फैक्ट कि आपके पास खुद एक कॉमन सेंस होनी चाहिए। और ये कह देना कि अगर हम रिलीजन को छोड़ देंगे तो हमने जाके कत्ल ही करने हैं लोगों के, तो वो तो अभी रिलीजन वाले नहीं तो लोग भी कर मैं, रहे हैं। ऐसा कौन सा काम है जो रिलीजियस लोग हाँ नहीं कर रहे जो हम करेंगे, ये बताइए ना? बिल्कुल, तो मैं मान रहा मोरालिटी हूँ, कहाँ से आ मैं गई? कह रहा हूँ वो कर रहे हैं, मैं तो जी कहता हूँ वो कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने जो रिलीजन ने बताया, मतलब इस्लाम ने तो बताया कि एक इंसानियत का पूरी इंसानियत का है, लेकिन उसको नहीं चल रहे, इसीलिए तो कर रहे हैं ना। आपको इस बात की क्यों नहीं समझ आ रही कि अगर एक बंदा नहीं, वो किसी तो का मैं कह कत्ल रही हूँ, कर तो रहा है, इससे फिर कोई उसका वो नहीं है ना, बिलीफ सिस्टम इसका उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जिस इंसान ने करना हाँ है जी ना वो बिल्कुल करेगा, चाहे वो किसी बिल्कुल को फॉलो कर रहा हो या वो एथियस्ट हो। जिस इंसान ने गलत बिल्कुल काम बिल्कुल, करना है तो वो करेगा, वो तो इंसान इंसान पे हाँ, डिपेंड करता है ना, इंसान अच्छा है या लेकिन बुरा है, ठीक है ना? मगर लेकिन आपके मेरी रिलीजन में लेकिन जहां ये कहा जाता है कि एक इंसान को मारो तो इंसानियत खत्म हो जाएगी, तो वहां पर ये भी कहा जाता है कि भैया कोई यहूदी है या काफिर है तो उसको मार दो, ये भी तो लिखा हुआ है ना आपकी।
ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ वैसे, आपको एक बात बताऊं, अच्छा ये किसी खैर, आज ने का भी टॉपिक है उस पे आपने कुछ बात करनी है, मुझे ये बताइए। नहीं, मुझे वैसे मुझे आज के टॉपिक का नहीं पता, लेकिन मैं अभी भी आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये लिमिट्स हैं ये कौन सेट करता है? ये हमने आप मसलन फर्ज करें, एक मसलन आप कहती है कि कत्ल करना बुरी चीज है, ठीक है, एक जो कातिल या टेररिस्ट है वो नहीं समझता कि कत्ल करना बुरी चीज है, ठीक है, तो नहीं वो फिर समझता है आपकी क्यों मर्जी से क्यों चले हैं? नहीं, वो एक नहीं ना समझ, टेररिस्ट समझ सम, एक सही टेररिस्ट जो जाकर कर रहा है ना, वो किसके नाम पे कर रहा है? वो अल्लाह के नाम पे कर रहा है, क्योंकि आपके मौलवी कहते हैं कि वो नहीं, शहीद होगा तो अच्छा उसको 72 हूर्स मिलेंगी जन्नत में, अच्छा उसके वो जो पीछे न्यूजीलैंड में जो मोटिवेशन न्यूजीलैंड में जो मस्जिद में एक वो जो 30 बंदों को मारा गया, वो उसने अल्लाह के नाम पे किया? ना, उसने जीजस के नाम पे किया होगा, उसने हेटरेट पे किया है। पहले अटैक किसने अच्छा किया था? पहले जाके देखिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि अटैक्स, बम्स और ये सारी चीजें कौन फोड़ रहा है? क्रिश्चियंस फोड़ रहे थे? अच्छा नहीं, मेरे को आप ये वो, बताइए कि जो टेररिस्ट हाँ अटैक जी हो रहा है दुनिया में, चलो मैंने माना वो गोरे बिल्कुल, ने 3-4 अटैक हुए होंगे गोरों के, मगर जो बड़े बड़े हाँ जी अटैक आप कर रहे हो, 9/11 उठा लो, इंडिया में कितने अटैक हुए हैं, बॉस्टन मैराथन पे अटैक हाँ हुआ, नहीं कितने कितने आप लोगों ने अटैक कर दिए, कि आइडियोलॉजी जो है ना कि आप शहीद हो गए तो आपको 72 72 हूर्स मिलेंगी, ये कहां से आ रही है? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? तो ये तो गलत, ये तो गलत बताया जा रहा है ना, ये तो नहीं, चीज ही ये गलत क्या बताई जा रही है, ना, मैं तो वो इसको एक्चुअली खैर मैं आपका तो इसको इस्लाम मानता फॉलो ही कर नहीं। रहे हैं, वो आपका इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, नहीं जो नहीं आपका नहीं आइसिस और ये लोग ये आपको आपका किसी, एक्चुअली इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा मुझे आप ये बताइए, आज के टॉपिक की उस पे बात है, क्योंकि आज का ये टॉपिक नहीं है, आप लोग वो मेरे टॉपिक को उठा के पता नहीं कहीं और ले जाते हो, आपने इस पे बात करनी है ना तो आप आना, और मैं आपसे आपको ये अच्छा बोलूंगी कि वैसे इसमें वैसे ज्यादा अच्छा आज का हो, टॉप, हारिस और वालिस समझा सकते हैं। हारिस तुम लोग हो नहीं यहाँ पे, कहाँ अच्छा अच्छा हो? तुम भी आओ, कहाँ जी गया जी क्या नाम है उसका, कहाँ गए वो गुलजार जी, कहाँ हो आप? नहीं मैं इतना नहीं आपको इस पे समझा सकती हूँ, और मेरे अंदर ऑनेस्टली मेरे मेरे दिमाग में ना इतनी ताकत नहीं है कि मैं समझाऊं, क्योंकि मेरा दिमाग घूम जाता है। थैंक क्योंकि क्योंकि यू मुझे सो मच लगता है कि फिर सिराज। लिमिट, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि लिमिट फिर जो कोई दूसरा शख्स मेरे लिए क्यों सेट करे, कि मुझे पता है 120 की हेलो, स्पीड से ज्यादा नहीं चलानी, ये दूसरा बंदा क्यों सेट करे? अच्छा 18 साल से पहले सिगरेट नहीं पीना, ये दूसरा बंदा क्यों सेट करे? ठीक नहीं, है, 18 साल में वो पहले क्यों क्या लिखा जा मतलब है रहा? पाकिस्तान में? पाकिस्तान में एक सेकेंड ना, पाकिस्तान में हाँ जी 12 साल का, दस बिल्कुल, साल का बच्चे बच्चा पीते करना हैं, बच्चे पीते मोटा हैं, मैं तो सा, मान रहा हूं, एक मैं सेकेंड सुन तो लो, आप सुन तो लो, अपनी हाँ चले जी चले आ रहे हो, जरा सुन लो, म्यूट करके मैं सुना रही हूँ आपको। पाकिस्तान में कोई लीगल एज नहीं है जहां पर आप जो है मोटरसाइकिल चला सकते हो, तो क्या स्टैंडर्ड सेट किया आपके इस्लाम में? यहाँ काफिरों के मुल्क में यहाँ पे एक एज लिमिट सेट की हुई है जहां पर आप जो है मोटरसाइकिल चला सकते हो, काफिरों के मुल्क में आप सिगरेट नहीं खरीद सकते हो, मगर मुसलमानों के मुल्क में छोटे बच्चे को भेजो वहां पर जाकर, चाहे वो 10 साल का, वो जाके साये सिगरेट खरीद के भी ला सकता है, और उसकी मर्जी हो तो वो पी भी सकता है, ठीक है ना? काफिरों के मुल्क में अल्कोहल पे लिमिट लगी हुई है कि आप जब तक 18 साल के नहीं होगे आप पी नहीं सकते हो, मगर पाकिस्तान में आपको अल्कोहल मिल रही है और छोटा बच्चा भी पी सकता है। तो ये आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि काफिर जो है उनको समझ में नहीं आ रहे? भाई बात ये है कॉमन सेंस की, कॉमन सेंस की है, जो आप लोगों के पास है नहीं ना, आप लोगों की बुक आपको वो कॉमन सेंस दे नहीं रही है, तो फिर आप क्या बात कर रहे हो इस पे? अच्छा मेरी आपकी तो बात तो रूल्स ही सुने नहीं ना, है। आप बात तो सुने ना, जब बाहर के मैंने लोग सुनी थे, ना अगर बात, आपकी कितनी सुनो 18 साल बात, से इतनी पहले सारी मैंने लिमिट, आपको जवाब दे दिया, मुझे जवाब दे ना कि आपके मुल्क में, मैं मुझे जवाब दे कि आपके मुल्क 18 में, साल से सारे पहले मुल्क जो में बाहर के लिमिट मुल्क में क्यों लिमिट नहीं क्यों है? है? 18 साल से पहले आपके लिमिट मुल्क, क्यों नहीं है? इस्लाम के लिमिट मुल्क में लिमिट क्यों 18 नहीं है साल से मुझे पहले, बताएं? मैं आपसे तो वो तो सवाल अच्छा, हम तो मेरा आपसे सवाल है, आपने अल्कोहल के बारे में पूछ रहे हैं, तो जब आपके फीलिंग्स नहीं है या आपको पता नहीं है कि कितनी ज्यादा पियोगे आपकी बॉडी पे क्या असर पड़ोगे, आप तो मेरी, वो जो है हाँ हैंग जी ओवर आपको हो जाएगा, तो आप अगली बार कम पियोगे, या नहीं, तो आपके वही ना, कॉमन मैं सेंस हैंगओवर नहीं जो है, मुझे हुआ लॉजिक है, नहीं है? मैंने जो है, मेरे, अच्छा भाई ये लॉजिक मुझे कॉमन कौन कौन सेंस की बताया बात है यार, कि ये तो मेरे अगर जहन ने आप, बताना है ना। आपके जहन ने ही अच्छा बताना है ना। आप मुझे एक बात बताइए, आप हाँ जी एक बात बताइए, मेरे सामने 10 रोटियां पड़ी हैं, ठीक है, मैं किसी चीज को नहीं मानती, हाँ जी अगर मेरा दिमाग ये मुझे कहेगा कि मैंने 10 रोटियां खा ली ना, तो मेरा जो है मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इसके लिए मुझे इस्लाम की तो जरूरत नहीं है ना, कॉमन सेंस की जरूरत है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन सेंस की होती हैं, ठीक है ना? आपके पास छुरा पड़ा हुआ है तो आप अपनी अच्छा हथेली काट लो, ऐसे तो क्यों नहीं काटते? क्योंकि आपको पता है
कि मैं काटूंगा तो मैं मर जाऊंगा या मुझको तकलीफ हो। ये कॉमन सेंस है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपको बुक में कुरान में बताया कि भाई अपना हाथ मत काटो तो तुमको तकलीफ होगी तो तुम मर जाओगे। अच्छा मेरा जरूरत होती है मान लीजिए, मेरा इनसे सवाल ये है कि आपसे मेरा सिर्फ एक सवाल है, आपको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई हाकिम चाहिए होता है कि वो आपको बताए आपने क्या करना है? अच्छा तो आप यही चाहते तो मैं हो बात कि कर रहा हूँ ना कि नहीं चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि फिर नहीं क्यों 18 साल से पहले क्यों नहीं आप सिगरेट नहीं पी सकते, क्यों क्योंकि नहीं आप आप बैठ के बच्चे 18 हो साल से और पहले आप आप क्यों नहीं क्यों यही तो इस वो वजह से क्यों देखिए हाकिम है हमारे सिगरेट ऊपर, तो वैसे ही कौन खराब कौन है, वो कौन रूल्स सिगरेट बना रहा है, वैसे ही खराब वो है। और रूल्स बना बच्चों का कौन रहा है? दिमाग एक सेकेंड ना सुन लिया करो, आपकी एक हाँ जी इंसान हाँ की जी बताइए। ग्रोथ जो है ना वो होती है ऑलमोस्ट हाँ टिल जी 18 years ऑफ एज, आपकी लंबाई, ये आपके किसने बोला बाल, है, आपके ये किसने नक्श, बोला है, साइंस बोलती है, डॉक्टर मेडिसिन, भाई किधर कौन से कौन दिमाग साइंस, आया है? साइंस किसने कौन बोला से, है, ओ, साइंस किसने बोला, सीरियसली साइंस यार किसने बोला कौन है? सी दुनिया से आए हो तुम? हाँ सुन नहीं तो लो अब बेवकूफ, बताए ना, सुन तो लो, चिल्लाओ साइंस नहीं, सुनो मेरे जैसे सुनो इंसान नहीं तो बनाई है ना। अच्छा चलें मेरी बात सुनो, आपकी जब आप लिबर्टी में आते हो, बनाइए भाई, खुदा का खौफ करो, नहीं ओ, साइंस को बदनाम मत करो, बेइज्जत मत करो कि आपकी जैसे इंसान ने साइंस बना दी। देखिए आपको ये पता है कि इंसान का दिमाग कब तक डेवलप होता है, एक बंदे का दिमाग कब तक फुली डेवलप होता है आपको पता है ये? मुझे मुझे तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैं तो फ्री हूँ, मैं तो बिल्कुल, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, मैं अपने ऊपर किसी आपको हाकिम तो को नहीं रोटी भी मानता, कोई खिलाता ठीक है है? ना? अच्छा तो ये आपका नहीं, आपका मैं इस्लाम नहीं आपको बताता, आपको ये नहीं बताता इस्लाम के एक इंडिविजुअल का दिमाग किस एज में जाकर फुली डेवलप होता है आपको नहीं बताता लेकिन ये। मैंने इतनी आपसे पहले ही बात यही की है कि मैं अब इंपॉर्टेंट किसी बात रिलीजन को क्यों नहीं मान रहा, आप इस मैं आपसे पहले ही बात बताई यही की है कि मैं अपने आपके समय इंसान मैं के? देखिए द पॉइंट इज हाँ? कि क्यों काफिरों ने क्यों बोला है कि भाई सिगरेट नहीं पीनी तो अल्कोहल नहीं पीनी, क्योंकि जब आपके एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी डेवलप हो रही होती है टू आई थिंक इट्स अबाउट 22 years ऑफ एज, तब जाकर जैसे आप एक मुझे बात बताए ना, आप लंबे हो रहे हो लंबे हो रहे हो लंबे हो रहे हो लंबे, एक एज में जाके आपकी लंबी खत्म हो जाती है ना ग्रोथ, या आप लंबे ही होते जाते हो है ना, वैसे तो वो तो सुल्तान, डेवलपमेंट हाँ साथ बिल्कुल होती सही कह रही, है। तो सुल्तान मुझे देखें हाँ मेरी एक बात माने, ये हारिस की फोटो उतार दें, मुझे शर्म आ रही उसको देख के आपको कहते हुए ये बातें, तो मुझे तो शर्म आ रही है, आप मेरे को ऐसा एक ना चीज देखने करें। को मिली। अच्छा चले सुल्तान जी, थैंक यू सो मच, मेरे दिमाग अच्छा में ये तो मेरे इंसान आप खड़ा देखें हो गए। ना, अब आपकी नहीं नहीं शर्म के और लिए भी मैं, लोगों को मैं आपकी दूँ शर्म ना, के लिए आप मैं सारी क्यों टाइम ले रहे हैं, उतारूं, चले चले यही तो चले, आप बात है वॉक ना। हो गया, थैंक यू। नहीं नहीं ये बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम आइएगा ना, दूसरों को भी मौका देना है, बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, आप अकेले थोड़ी बैठे हो, और लोगों ने भी बात करनी है, लाइक इट्स नॉट कि मैं सारा टाइम आप ही को दे दूं, आपके तो पल्ले नहीं पड़नी।